ऑफ डेज आर स्पेशल नेम्स. जो डेज होते हैं वो क्या है, स्पेशल नेम्स है. राइट द नेम बिफोर और आफ्टर दिस डेज. आपको ऐसा बोला है कि राइट द डे, डे लिखना है और क्या क्या कैसे कैसे डे लिखना है. तो बिफोर, बिफोर और आफ्टर. बिफोर मतलब पहले के, आफ्टर बाद के. दिस डेज, ये डेज के पहले के और बाद के डेज आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन इज सैटरडे. चलो पहले तो स्पेशल नेम्स की मुझे बात बताओ. स्पेशल नेम्स किसको बोलेंगे और कॉमन नेम्स किसको बोलेंगे. सो स्पेशल नेम्स जो स्पेशल पर्पस से यूज करते हैं, ओके, जिसका प्रॉपर नेम ही दे दिया है, वो क्या है, स्पेशल नेम्स. नेक्स्ट वन कॉमन नेम्स. सो कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स क्या है, तो जनरली हम यूज़ करते हैं, ओके, जनरली जिसको यूज़ करते हैं वो है कॉमन नेम्स, ओके. फिर स्पेशल नेम्स की एक खासियत मुझे बताओ कि स्पेशल नेम्स क्यों अलग होते हैं. सो स्पेशल नेम्स आर बिगिन विथ अ, बोलो, यस, कैपिटल लेटर्स. सो हमें पता चल गया स्पेशल नेम्स के बारे में, तो हम ये सारे लेटर्स स्पेशल नेम्स है. यहाँ पे बता ही दिया है कि नेम्स ऑफ डेज आर स्पेशल नेम्स, कि ये जो डेज के नेम्स है वो क्या है, स्पेशल नेम्स है, ओके. फर्स्ट वन सैटरडे, सैटरडे, ओके. सैटरडे के बाद का कौन सा डे आएगा, हमारा फेवरेट है संडे. क्या आएगा, संडे, एस यू एन डी ए वाई, संडे, एस यू एन डी ए वाई, संडे, डन. सेकेंड वन ब्लैंक्स ट्यूजडे. ट्यूजडे के पहले का जो वर्ड आता है वो लिखना है आपको. ट्यूजडे के पहले का कौन सा डे आएगा, मंडे, यस, एम ओ एन डी ए वाई, मंडे, डन. थर्ड वन इज वेनसडे. चलो वेनसडे क्या आएगा, तो वेनसडे के बाद का कौन सा लेटर, सॉरी, डे आता है, थर्सडे. थर्सडे का स्पेलिंग बोलो, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे. और एक बात याद रखनी है आपको, ये जो अगर आपको डेज के नेम नहीं आते हैं ने, तो क्या करना है आपको, सीख लेना है घर पे, ओके. मम्मा बोलती है वो सब करना है आपको, मम्मी की बात सुननी ही है आपको. थर्सडे, चलो थर्सडे के पहले कौन सा डे आएगा, यस, वेनसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेनसडे, डन. फिफ्थ वन फ्राइडे. चलो फ्राइडे के बाद का कौन सा डे आएगा, तो बोलो संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे. नेक्स्ट वन सैटरडे, तो हम क्या लिखेंगे, सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे, डन. सो सैटरडे इज डन. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द स्पेशल नेम्स ऑफ दिस पीपल. क्या करना है, देखो यहाँ पे ऐसा बोल ही दिया है कि राइट द स्पेशल नेम्स ऑफ दिस पीपल. ये पीपल के आपको स्पेशल नेम बोलने हैं. क्या बोलने हैं, स्पेशल नेम, ओके. सो फर्स्ट वन, नेम ऑफ योर मदर. आपके मदर का नेम लिखना है. सो व्हाट इज योर मदर्स नेम, नेम ऑफ योर मदर. मदर का नेम लिखना है, तो आपके मदर का नेम जो भी है वो यहाँ पे लिखना है. तो ये तो मैं कंप्लीट नहीं करवा सकती, ओके. तो ये आपको अपने आप से करना पड़ेगा कि आपके मम्मा का नेम क्या है वो यहाँ पे लिखना है, और उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल, ओके. सो रिमेंबर इट, याद रखना है आपको. क्या याद रखना है, सो उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, क्योंकि ये क्या है, स्पेशल नेम्स.
देखो गड़बड़ नहीं करनी है, ओके। स्पेशल नेम्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कौन सा होता है? कैपिटल होता है, इसीलिए नेम ऑफ योर मदर, मदर का नेम कैसा होगा? सो फर्स्ट वन कैपिटल होगा। सेकेंड वन, नेम ऑफ योर फादर, फादर का नेम लिखना है। चलो फादर का नेम क्या है बताओ? यस, तो फादर का नेम यहाँ पे लिखना है और उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल। थर्ड वन, नेम ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, अगर आपको भाई है तो भाई का नेम लिखना है, सिस्टर है तो सिस्टर का नेम लिखना है, ओके। सो नेम ऑफ योर ब्रदर और फादर, सॉरी ब्रदर और सिस्टर, सिस्टर है तो सिस्टर का, ब्रदर है तो ब्रदर का, ओके, वहाँ पर नेम लिखना है। फोर्थ वन, नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड का नेम क्या है? सो आपके बेस्ट फ्रेंड का नेम यहाँ पे आपको लिखना है, बट रिमेंबर इट, फर्स्ट लेटर कैपिटल। फिफ्थ वन, नेम ऑफ योर क्लास टीचर, चलो आपको तो आपका क्लास टीचर का नेम पता नहीं है, तो अभी मैं कौन पढ़ा रहे हैं? तो इंग्लिश और ग्रामर कौन पढ़ाते हैं अभी? बंसी मैम, तो हम यहाँ पे सब लिखेंगे, ओके। सो नेम ऑफ योर क्लास टीचर लिखेंगे, बंसी मैम, ओके। क्या लिख दिया? नेम ऑफ योर क्लास टीचर, क्लास टीचर का नेम बंसी मैम, ओके। अभी तो आपको पता नहीं कि आपका क्लास टीचर कौन है, इसीलिए, ओके। क्वेश्चन नंबर फाइव, मैच द कॉलम, कॉलम को आपको मैच करनी है, चलो कैसे करनी होगी? सो यहाँ पे पर्सन, पर्सन जो भी पर्सन है, पर्सन पता ही आपको, कोई भी एक पर्सन की बात हो रही है, प्लेस कोई भी जगह की बात हो रही है, थिंग चीज वस्तु की बात हो रही है, ओके। सो हमें क्या करना है कि ऐसे अंदर अंदर कैसे कनेक्ट है ना, वो आपको यहाँ पे मैच द कॉलम करनी है, कॉलम पे आपको मैच करना है। तो कैसे अंदर अंदर कनेक्ट हो गए? देखो फर्स्ट वन है टीचर, क्या दिया है आपको? टीचर। चलो प्लेस में टीचर के कनेक्टेड कुछ ढूंढते हैं, किचन होगा, टीचर किचन में जाएंगे, स्कूल। नेक्स्ट वन स्कूल, तो स्कूल आएगा, टीचर कहाँ पे मिलेंगे? स्कूल पे, तो हम टीचर को करेंगे मैच स्कूल से, ओके। फिर यहाँ पे बुक, टीचर बुक के साथ कनेक्ट होंगे, यस, टीचर तो बुक के साथ कनेक्ट होंगे ही, सो हम स्कूल को करेंगे बुक के साथ, डन। देखो आपको मिल गया, टीचर कहाँ पे होते हैं? स्कूल पे, स्कूल पे क्या करनी होती है? पढ़ाई, इसलिए क्या जरूरत होती है? बुक की, ओके। सेकेंड वन इज किंग, किंग राजा, राजा किचन में होंगे, नो, पैलेस पे होंगे, यस, तो किंग कहाँ पे होंगे? पैलेस पे, तो हम क्या करेंगे? लाइन बनाएंगे पैलेस के साथ, फिर क्या करना है? तो यहाँ पर नीडल दी है, नीडल, किंग नीडल का कुछ करेगा, नीडल मतलब क्या होता है? सुई, स्टोव, स्टोव गैस, हमारे घर पे स्टोव होता है, तो किंग को कुछ स्टोव का काम होता है, नो, क्राउन, यस, किंग क्या पहनता है? क्राउन। सो ड्रॉ द लाइन, क्राउन, ओके। थर्ड वन इज कुक, कुक, कुक क्या करता है? खाना पकाता है, तो कुक कहाँ पे जाएगा? किचन पे, तो कुक को क्या करेंगे? किचन के साथ मैच, डन। फिर वो नीडल को उसकी जरूरत होती है, नो, स्टोव की होती है, यस, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कुक क्या करता है? खाना पकाता है, डन। नेक्स्ट वन, चलो आप देखो, मैं क्यों ये देख ही नहीं रही हो, ये
बुक को नहीं देख रहे, यूक्रेन को नहीं देख रहे, तो ये इसीलिए नहीं देख रहे क्योंकि वो मैच हो ही गए हैं, तो हमें वो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ओके, फोर्थ वन इज टेलर। तो चलो टेलर कहाँ पे मिलेगा, तो टेलर पार्क पे होगा, नो शॉप पे होगा, यस। तो टेलर को किसके साथ मैच करेंगे, शॉप के साथ। चलो अब टेलर को क्या ज़रूरत होगी, नीडल की होगी या बेंच की, नीडल की। ओके, वो सुई की ज़रूरत होती है ना उसको, टेलर को नीडल की ज़रूरत होती है ना, वो उसके बिना वरना सी भी नहीं सकता है। ओके, फिफ्थ वन गार्डनर। गार्डनर जो गार्डन की देखभाल करता है, गार्डनिंग करता है, उसको क्या बोलेंगे, गार्डनर। तो गार्डन गार्डनर गार्डनर कहाँ पे मिलेगा आपको, गार्डनर यस पार्क के साथ। तो गार्डनर को हम कहाँ पे मैच करेंगे, पार्क के साथ। सो मैच विथ पार्क, मैच विथ पार्क, पार्क के साथ गार्डनर को मैच करेंगे। अब क्या करना है, तो बहुत इजी है, क्या बचा है, बेंच। देखो गार्डनर गार्डनर है वो गार्डन पे होता है, सॉरी पार्क गार्डन कुछ भी, फिर वहाँ पे क्या भी होती है, बेंच भी होती है जहाँ पे हम बैठते हैं। कभी कभी देखो आपके दादी है वो ऐसे थक जाते, तो वो कहाँ पर बैठ जाते हैं, बेंच पे। आप खेलते हो क्योंकि आप तो छोटे हो, इसलिए आप में तो ज़्यादा एनर्जी होगी, तो आप तो खेलते रहते हो, पर जो हमारे ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, वो कभी कभी थक जाते हैं, तो कहाँ पे बैठते हैं, बेंच पे। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये मैच द कॉलम्स है, उसमें क्या करना है, जिसका पर्सन है, जिसको प्लेस है और थिंग, वो उसके साथ आपको मैचिंग करना है। सो टीचर को स्कूल के साथ कर दिया, क्योंकि टीचर कहाँ पे होते हैं, स्कूल पे, और वो किस में से पढ़ाई करवाते हैं, बुक में से, इट्स बुक ना। सेकंड वन इज किंग। किंग कहाँ पे होता है, पैलेस पे, बहुत बड़ा महल होता है उसको पैलेस बोलते हैं। क्राउन वो जो पहनता है, जो हेड पे पहनता है, उसको क्या बोलते हैं, क्राउन। थर्ड वन इज कुक। जो कुक है वो क्या करता है, तो वो खाना पकाता है, तो कुक किचन, किचन पे होता है। ओके, फिर स्टोव, स्टोव वो किचन में क्या उसको ज़रूरत होती है, स्टोव की। ओके, वो स्टोव के बिना तो कुछ पका नहीं सकता है। फोर्थ वन इज टेलर। टेलर क्या करता है, तो टेलर है वो हमारा, हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो बनाते हैं। ओके, तो वो कहाँ पे बनाएंगे, शॉप पे। क्या ज़रूरत पड़ेगी, थिंग्स में से नीडल की। ओके, फिफ्थ वन गार्डनर। चलो गार्डनर कहाँ पे होगा, तो गार्डनर गार्डन पे होगा, पार्क पे होगा, और वहाँ पे क्या होती है, बेंच होती है, स्विंग होते हैं। ओके, और छोटे छोटे आपके जैसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। ओके,